अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए बेफाम का इंदराज लाजमी करार दे दिया गया है। सेस पर मौजूद पहले से दाखिल बच्चों के लिए भी बेफाम का इंदराज लाजमी होगा। इसके साथ साथ बेफाम के इंदराज में किसी भी तालिब इल्म को अगर कोई सुस्ती होती है तो उसको कमरे इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बेफाम का इंदराज लाजमी होगा। सेस पर पहले से दाखिल शुदा बच्चों के बेफाम का इंदराज भी लाजमी करना होगा। इसके साथ साथ महकमा स्कूल एजुकेशन की जानब से स्कूल सरबराहान को एक अथॉरिटीज़ को एक मरासला जारी किया गया। उस मरासले के मुताबिक स्कूल सरबराहान सेस पर पहले से मौजूद तमाम बच्चों के बेफाम का इंदराज करें और बेफाम के इंदराज के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 31 अक्टूबर तक का टाइम उन्हें दिया गया। अगर 31 अक्टूबर तक बेफाम का इंदराज नहीं करता तो मुतलका सरबराहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई के बाद उनको फिर भी यही कहा जाएगा कि आप बच्चों का जो इंदराज है वो मुकम्मल करें। ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि स्कूल सरबराहान, ये सरकारी स्कूलों के सरबराहान को मरासला जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों के सरबराहान को अथॉरिटीज़ को एक मरासला जारी किया गया कि वो सरकारी स्कूलों में जो भी तालिबे इल्म, जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जो भी दाखिल शुदा है, एडमिशन ले चुके हैं, उनका वो दाखिला फॉर्म, वो उनका बेफाम नंबर ज़रूर उसके साथ रजिस्टर करें, उसको ज़रूर इनरोल करें। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो नए एडमिशन्स होंगे उसके लिए भी बेफाम का नंबर का होना ज़रूरी होगा। ये सेस पर मौजूद पहले से बच्चों के लिए भी लागू होगा। सेस पर मौजूद पहले से बच्चे स्टूडेंट्स जो भी हैं सरकारी स्कूलों में, वो भी अपने बेफाम का नंबर ज़रूर बताएँगे, वो भी रजिस्टर करवाएँगे। इसके साथ साथ जो नए बच्चे आएँगे वो भी अपने बेफाम का नंबर साथ ज़रूर रजिस्टर करवाएंगे।